आगे बढ़ता को बताएं कि स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सजा पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। अराकीन असम्बली की जानिब से आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज पेश की जाएंगी। गुज़श्ता रोज़ प्री बजट इजलास कोरम टूटने के बायस आज तक मुलतवी हो गया था। इसी पर बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, इजलास से मुतालिक आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब असेंबली का प्री बजट इजलास जो है वो आज 3 बजे होगा और इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास के अरकान असेंबली की जानब से आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज देंगे। कल जो है वो इजलास का पहला रोज था, लेकिन हुकूमत पंजाब जो है इजलास में फोरम पूरा करने में नाकाम रही, जिसके बाद से इजलास आज सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया था। लेकिन अब बाद में ईरानी सदर के दौरे के बायस चूंकि अहम शाहराएं बंद थी, तो इसलिए जो है इस इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया और अब ये इजलास तहत 3 बनाया गया है। इम्कान है कि ये इजलास आज 3 बजे भी बरवक्त नहीं शुरू हो सकेगा, क्योंकि मामूल के मुताबिक हमेशा से ही पंजाब असेंबली का इजलास 1 से 2 घंटे ताखीर का शिकार होता है। बहरहाल आज 3 बजे इजलास तलब किया गया है और क्योंकि आज लाहौर में वी वी आई पी मूवमेंट की वजह से अहम शहराएं बंद है, तो इसलिए आज का इजलास भी जो है वो ताखीर का इम्कान है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे।